3 days we have finally started our journey, है ना बाबा केदारनाथ की। तीन दिन वेट करना पड़ा, बट हो गया शुरू। एंड अब हो जाएगा। एंड ऐसा कुछ पीछे का व्यू है, सॉरी शट अप। गौरीपुर तक आप पैदल चल के आए नीचे से, मस्त 5-6 किलोमीटर तक थक गया। शुरू कर दिए, 10 मिनट हो गए शुरू हुए, अभी आई थिंक 22 किलोमीटर की और है। एंड जो हमारा एस्टिमेट टाइम है वो 6 से 7 घंटे है। एंड वहीं पे रात को स्टे करें क्या बोले, तो चलिए अब देखते हैं, आगे मिलते हैं। कंप्लीटिंग 3 किलोमीटर्स, मोर 14 किलोमीटर्स टू गो। एंड ट्रैक मस्त है, आ जाइए। यहाँ पे मेरे को 2-3 फैन मिल गए मेरे जिनको जबरदस्ती बनाया गया है। एंड ट्रैक ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं अभी तक तो, क्योंकि बॉडी वार्म होने के बाद गर्मी बहुत लगती है। बट अच्छा, नाइस प्लेस। ना भैया अभी कहाँ, यूज तो अल्टीमेट लेवल के हैं यहाँ से, इतने सारे वाटरफॉल्स हैं। मैं तो इसी बात की खुशी है कि दर्शन हो रहे हैं। सी पीछे वाले कैमरे से देखा था सामने, बर्फीले पहाड़, अरे मस्त। पूरी यात्रा में ये वाले व्यू है। एंड पहले इतने, उसके बाद यात्रा हमारी चालू हो ही गई है, बहुत अल्टीमेट वाली फीलिंग आ रही है। चलो चलते हैं आगे।
जंगल चट्टी जो है वो क्रॉस कर दिया। उसके पहले वाले भी आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे, बड़े सही था, व्यूज मस्त है। यहाँ पे मस्त खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स टू लस्सी टू क्या कहते हैं पराठा एंड ऑल। सो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहाँ से 12 किलोमीटर है रास्ता, मिलते हैं आगे। दिस इज द साइट जहाँ पे 2013 में बादल फटने से जो बाढ़ आई थी एंड पूरा एकदम कितनी ही तबाही कर दी थी। तो ये ही है पत्थर, आप देख सकते हैं, मैं और जूम करके दिखाता हूँ कितने ज़्यादा पत्थर हैं, वो बड़े बड़े पत्थर हैं। क्या ही टाइम था वो वाला। यही वो था ऊपर से पानी एकदम मस्त बाढ़ आया था और हमने 6-7 किलोमीटर और कर लिया। इन टोटल हमने 10-11 किलोमीटर कर लिया है, वो 10 किलोमीटर चुको। चलिए मिलते हैं आपको कहीं पे खाना खाते हुए। दिस इज द क्लोजअप व्यू, आप देख सकते हो 2013 में किस लेवल की बाढ़ आई होगी कि अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, मतलब अभी तक उसके अवशेष हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है यूं ही पत्थर की तरह पानी के साथ आ गई, अलग ही लेवल की त्रासदी रही होगी। और अभी भी बारिश हो रही है एंड चेक आउट द फ्लो, ऊपर तो लगता है कि फॉर श्योर स्लो पड़ रही होगी। भाई साहब वैसे ठंड तो नहीं है, बारिश हुई है अभी, शुरू हुई है तो 10-1 मिनट पहले। ये देखिए भाई साहब और पीछे क्या मस्त बादल है। Thank you.
मोर 8 किलोमीटर्स टू गो, बेसिकली 6 किलोमीटर टू रीच द बेस कैंप एंड 2 मोर किलोमीटर्स टू रीच द मंदिर। चढ़ाई अब पिछले 2 किलोमीटर से थोड़ी हार्ड हो गई है एंड आगे के 6 किलोमीटर भी सही वाले हार्ड होने वाले हैं। साइड में मस्त बारिश एंड रिवर। चलो आपको मिलते हैं बेस कैंप में बिकॉज फोन की बहुत बढ़िया अचानक से जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा स्मोक आ चुका है, हवा ख़राब होने लगी। लास्ट 6-7 किलोमीटर फोर टू को ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त। चलो आप सीधे धाम पे मिलते हैं, चलिए। फाइनली 3-4 घंटे कंटिन्यूसली भीगने के बाद बारिश बंद हो गई है एंड हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा से शुरू की है। अभी 5-5.5 किलोमीटर और बचा होगा, बहुत ठंड हो गई है एंड टी शर्ट में हूँ। बट मज़ा बहुत आ रहा है एंड फोटो ही खींच लो मारे सरप्राइजिंगली थकान नहीं हुई है, अलाव लग चुकी है बट ठंड के हाथ नम हो चुके हैं। बम बम बोले ये कहे खाली कर दे तू ऊपर जाके सोने वाला हूँ। अब आपको ना सीधे डायरेक्ट में मिलता हूँ पहले ग्लिम्स के साथ बाबा केदारनाथ की। चलिए एंड इग्नोर माय बाल शाल, वैसे तो तुम मुझे भी इग्नोर करते बेशर्म लो। चलो तो बाय। मंदिर केदारनाथ धाम एंड दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मंदिर। भाई साहब क्या मज़ा आ गया। अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, कल आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे दिन में। एंड अगर वीडियोस के लिए नहीं आ रही हूँ सॉरी, लाइट नहीं यहाँ पे, सो स्टे ट्यून एंड बोला नहीं जा रहा, होट जम चुके हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग and you know the drill, like it and subscribe to my channel and share it with your friends. Tada, bye bye, adios and amigos.